तो जैसे इस फोटो में देखोगे तो बैकग्राउंड में कुछ पहले आपको बैकग्राउंड में भी इमेज लेनी है। यू कैन सी कि थोड़ा सा लाइट कलर पे शेडो टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, मीन्स वहां पे प्लेन फोटो नहीं, पेन जो भी हमारा कलर होता है वो नहीं लिया गया है। वहां पे भी कोई फोटो लिया है, वैसे आपको एक फोटो डिजाइन बैकग्राउंड में भी करना है। देन अगेन हमने कुछ फ्रेम्स यूज कर करके फोटो भी बनाया है, बैकग्राउंड भी बनाया है, नीचे कुछ डिजाइन बनाई है। और नीचे देखोगे तो यहाँ पे जैसे हम फोटो लगा रहे हैं वैसे ही यहाँ पर कलर यूज किया गया है। जो आपका फ्रेम है उस जगह पे आप कलर यूज करना और उसका कोड भी दे रखा है, आप डायरेक्ट ये कोड वहां पर टाइप करना, मैं भी आपको टाइप करके बता दूंगी। और इसके अंदर आप अपना फेवरेट कलर यूज करके फिर वो डाल के बताओगे, प्लस यहाँ पर आपको अपना इंट्रो थोड़ा सा टाइप करके देना है और डिजाइन थोड़ी सी खूबसूरत रखना। बाकी अपने फोटोज या अपनी फेवरेट चीजों के फोटो लगा सकते हो आप यहाँ पे। आपका फेवरेट कलर जो है वो कलर सेट करके बताओगे, ठीक है? एक बार और हम प्रैक्टिस करके देखते हैं यहाँ पे कैसे ये वर्क करेगा। सिंपल हमने क्या किया, फ्रेम पे गए और ये वाला सपोज इसी टाइप का वो भी है, हमने सेम यही लिया। एंड देन जो कलर वाला प्लेस है यहाँ पे आप कलर लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये वाला कलर नहीं लेगा, वाइट कलर है दूसरा, ये जो कलर मल्टी कलर वाला दिख रहा है वो वाला लेना, और जो कलर वहां पे लिखा हुआ था वो कलर के अकॉर्डिंग सेट कर देना या अपने फेवरेट कलर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर देना, नो इशू, ठीक है? बाकी के जो कलर है वो आपके जो पीछे की फ्रेम है उसके लिए है, तो जो मेन कलर है वो आपका स्लेटी कलर है। ज्यादा आपको जो कलर चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके सिवा आप देखोगे तो यहाँ पे व्हाइट और ब्राउन दो कलर ऑल दे रखे हैं, जो उस फ्रेम की हल्की हल्की सी बॉर्डर है। ये देखो ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन था उसके पास में आपको एक चेंज हुआ हुआ दिखा होगा, सेम एज इट इज। जो कॉर्न ऊपर सबसे ऊपर वाली बॉर्डर थी वो ब्लैक से व्हाइट हो गई है, हल्का सा मैं जूम करती हूँ, नाउ यू कैन सी ये सब व्हाइट हो गया है। और बाकी की जो बॉर्डर है वो येलो पर्पल कलर में है, एक साइड की पर्पल कलर में एक साइड में व्हाइट है, इसी सिक्वेंस में यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको उसका कलरिंग चेंज करना है, आप कलरिंग चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें जो मैंने बताई है ये आपको ट्राई करके एक अपना खुद का इंट्रोडक्शन वाली चीज भी बना के बतानी है, प्लस कुछ मैं और आपको ग्रुप में सैंपल्स भेज दूंगी, उन्हें भी आपको ट्राई करना है। एज इट इज ट्राई करने की कोशिश करना तो आपको ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी, डाउट्स क्रिएट होंगे, अदरवाइज डाउट्स क्रिएट नहीं होंगे तो हम ज्यादा अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है? क्लियर ओके okay।